हेलो एस्पायरेंट्स, लुकिंग एट करंट अफेयर्स फॉर 27 जन। न्यूज आइटम्स जो हमने हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप की है वो ये 13 न्यूज आइटम्स है। पहली न्यूज आइटम, 10 डाई इन कश्मीर एवलैंच। तो ये कश्मीर में गुरेज वैली करके है, जहाँ जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है, वहां पे एवलैंच हुआ। मतलब जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे स्नो स्लाइड्स डाउन। तो ये शीट ऑफ स्नोज की वजह से 10 सोल्जर्स की डेथ हो गई और अराउंड 4 सोल्जर्स मिसिंग है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में बिकॉज ऑफ सच नेचुरल कलामिटीज काफी सारी डेथ्स होती है। मतलब अराउंड 62 सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है इन बिटवीन 2007 टू 2012 बिकॉज ऑफ नेचुरल कलामिटीज। तो ये 1/3 ऑफ टोटल डेथ्स है। तो इतनी डेथ सिर्फ नेचुरल कलामिटीज की वजह से ही हो जाती है, तो ये इसीलिए हाईलाइटेड है। और एवलैंच क्या होता है फ्रॉम जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव वो भी हम देख सकते हैं। तो ये गुरेज जो रीजन है जहाँ पे हुआ, ये पीओके के पास है। प्लस ये जो है रोड, एक बांदीपुर गुरेज रोड। तो ये बांदीपुर और गुरेज रोड एक कनेक्टिविटी रोड है रजदान पास, जो इन दोनों को कश्मीर वैली को गुरेज से कनेक्ट करती है। फिर ये है एवलैंच। तो एवलैंच का रीजन क्या होता है कि स्नो शीट जो ब्रेक होती है, तो रीजन ये होता है कि जो टॉप लेयर स्नो का होता है वो टेम्परेचर काफी लो होते हैं, और लोअर लेयर्स में जब टेम्परेचर थोड़े डिफरेंस गैप आ जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से यह मेल्टिंग हो जाता है और ये शीट ऑफ स्नो ब्रेक होके नीचे गिर जाता है। तो काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवलैंचेस होते हैं, जैसे कि लूज स्नो की शीट भी फॉल करती है, कभी ट्रॉफ की तरह जैसे रिवर्स फ्लो करती है वैसे एक फ्लो होता है, कभी जंपिंग एवलैंचेस होते हैं, जैसे कि अगर एक एज आ गया तो वो एवलैंच जंप करके नीचे आता है। तो दीज आर क्वाइट डेंजरस। फिर अगला न्यूज आइटम है, सून ग्रुप हाउसिंग स्कीम विथ प्रोविडेंट फंड्स। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ जो है, उन्होंने लेबर मिनिस्ट्री को प्रपोजल दिया है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है उनको अलाउ किया जाए कि वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाए 10 और मोर एम्प्लॉयज मिलके, और वो अपना एंटायर प्रोविडेंट फंड सेविंग यूज कर सके टू बाय लैंड, होम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए या हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए। तो फिलहाल जो है वो उनको ये अलाउड नहीं है कि पूरा फंड सेविंग यूज कर सके। तो जो एम्प्लॉइज 5 इयर्स ऑफ सर्विस पूरी कर लेते हैं उनको 36 मंथ्स ऑफ द सैलरी विड्रॉ करने को अलाउड है, और वन टाइम विड्रॉल अलाउड होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लैट और फॉर परचेज ऑफ लैंड। तो अभी ये लोन इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए भी अलाउ किया जाए, ऐसे प्रोपोजल ईपीएफओ ने लेबर मिनिस्ट्री के सामने रखा है। तो ये ईपीएफओ जो है ये असिस्ट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजंस एक्ट जो है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर वर्क करती है। प्लस दे सर्व नॉट ओनली इंडियन वर्कर्स बट इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए भी असिस्ट करते हैं, बिकॉज इंडिया और बाकी कंट्रीज बायलेटरल ट्रीटीज होती है, सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स। तो जब वो लोग इंडिया में वर्क करते हैं तो उनका सोशल सिक्योरिटी इंडिया में अगर कंसिडर करना होता है तो ईपीएफओ ही कंसिडर करती है। अगला न्यूज आइटम है, सूरज कुंड मेला टू गो डिजिटल। तो ये सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, 31st एडिशन इसका होगा, हर साल होता है ये इन फरीदाबाद हरियाणा में। तो ये 15 दिन का, Feb 1 to Feb 15 ये मेला होगा। ये हरियाणा टूरिज्म मिनिस्ट्री अलॉन्ग विथ इवन द सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री सब मिलके ये इसको असिस्ट करते हैं इन ब्रिंगिंग दिस मेला इन टू एग्जिस्टेंस। तो ये सूरज कुंड क्राफ्ट मेला इज द लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी होता है, 2013 से ये इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है और रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। 2015 में 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और हर साल ये ऑन अ ग्रांडर स्केल होता है। प्लस दिस इस साल ये न्यूज है कि यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी फैसिलिटीज लाई गई है कि POS सिस्टम, POS टर्मिनल्स जो है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स अवेलेबल किए जाएंगे, इवन ई टिकट्स भी अवेलेबल है फॉर द सूरज कुंड मेला। फिर अगला न्यूज आइटम है, एनजीटी टू हियर पीआईएल ऑन क्लीनिंग गंगा। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ट्रांसफर कर दिया जो 1985 का पीआईएल था ऑन क्लीनिंग रिवर गंगा, तो ये ट्रांसफर किया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको केस दिया है और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब कहा है एनजीटी ने कि हम ये केस डे टू डे बेसिस पे हियर करेंगे फ्रॉम फेब्रुअरी 6। इवन सुप्रीम कोर्ट को उनको दिया कहा था कि इंटरिम रिपोर्ट्स उनको सबमिट करने हैं टू सुप्रीम कोर्ट every 6 months। तो ये प्रोविजन भी है और एनजीटी ऑलरेडी इस मैटर पे केसेस हियर कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द रीजन, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। तो 2014 से वो इश्यूज पे केस ऑलरेडी हियर कर रही है। अगला न्यूज आइटम है,
रिपब्लिक डे शो फ्लेक्सेस मिलिट्री मसल्स, तो इंडिया ने 60th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। वहां पे चीफ गेस्ट जो थे, यूएई के जो एमिरेट है एक अबू धाबी, वहां के क्राउन प्रिंस वो चीफ गेस्ट थे। और यहाँ पे दो दो यू नो फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिए गए, वो ये थे कि एक तो इंडिजिनियसली बिल्ट तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने अपना डेब्यू किया, तो ये डेब्यू परेड में हुआ। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस LCA बनाया है, और ये मारुत जो एयरक्राफ्ट थी जो हाल ने बनाया था इन 1960s, उसके बाद ये नेक्स्ट एयरक्राफ्ट है इंडिजिनियसली फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिजिनियसली बिल्ट, जो यहाँ पे राजपथ पे इन द रिपब्लिक डे परेड पार्टिसिपेट किया है। तो ये तेजस है, और इवन एलीट ब्लैक कैट कमांडोज जो है NSG के, उन्होंने भी अपना डेब्यू किया। प्लस यूक्रेन की यूएई के एक कंटिंजेंट 149 मेंबर मार्चिंग कंटिंजेंट ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो ये इनिशिएटिव लिया गया था लास्ट ईयर ही, फर्स्ट टाइम एक फॉरेन आर्मी की कंटिंजेंट ने मार्च किया था ऑन ऑन राजपथ ड्यूरिंग रिपब्लिक डे। तो ये फ्रेंच कंटिंजेंट था पिछले साल, अभी यूएई कंटिंजेंट है। और फिर और जो जो ऑन डिस्प्ले था इन द रिपब्लिक डे परेड वो था धनुष, ये अपग्रेडेड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स है, जो ये अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बोफोर्स जो स्वीडिश गन्स हमने 1980s में स्वीडन से प्रोक्योर किए थे, उनके अपग्रेडेड वर्जन है। तो स्वीडिश बोफोर्स गन का बड़ा स्कैंडल हुआ था, उसके बाद ये नेक्स्ट मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंदर धनुष आर्टिलरी गन्स डेवलप किए गए हैं। अटैक्स जो DRDO ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इन 2013 और फिनिश किया आर्टिलरी गन्स का, ये भी ऑन डिस्प्ले थे। फिर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल ये भी डिस्प्ले किए गए। तेजस तेजस प्रोजेक्ट जो था 1983 में इनिशिएट किया गया था, 2001 में फर्स्ट प्रोटोटाइप आया, 2013 में इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस आया, फिर फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस आया 2015 में, और इवन तेजस मार्क टू डेवलप की जाएगी, ये इंडक्ट की जाएगी, और तेजस मार्क टू मतलब अपग्रेडेड वर्जन ऑफ तेजस भी डेवलप किए जाएंगे। और ये इतना डीले इसलिए हुआ था क्योंकि इंजन डेवलपमेंट में हमको काफी दिक्कतें आई थी, जो कावेरी इंजन थी फॉर द तेजस वो फेल हुई थी, तो अब ये अमेरिकन इंजन के बेसिस पे है। तो ये 65% इंडिजीनियसली बिल्ट है तेजस एयरक्राफ्ट बाय हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और धनुष जो ये अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्वीडिश बोफोर्स गन है हॉविट्जर, तो ये आर्टिलरी गन को हॉविट्जर कहते हैं, तो इंडियन आर्मी में ये इंडक्ट की जाएगी। अटैक्स जो DRDO ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और कंप्लीट किया है 2013 में स्टार्ट करके, ये आर्टिलरी गन से फॉर द आर्म्ड फोर्सेस इंडिजीनियसली बिल्ट, कंप्लीटली इंडिजीनियसली बिल्ट। अब बाकी मिसाइल्स जैसे आकाश मिसाइल हमने डिस्प्ले किया, तो बाकी भी मिसाइल से अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, तो काफी अग्नि सीरीज में मिसाइल से अग्नि 5 भी रिसेंटली टेस्ट फायर हुई थी न्यूज में था। पृथ्वी ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, के सीरीज मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। सो बैलिस्टिक मिसाइल मीन्स फॉलोइंग इट्स नेचुरल ट्रेजेक्टरी, जैसे हम बॉल थ्रो करते तो वो कर्व लेके नीचे गिरता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसको बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, गाइडेड नहीं होते हैं। और निर्भय ये लैंड अटैक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो सबसोनिक मींस सोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, सबसोनिक मींस लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, तो ये क्रूज मिसाइल है। इवन ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब ये मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड है, ये इंडिया और रशिया साथ में जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। आकाश एयर सरफेस टू एयर मिसाइल है, अस्त्र BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये गाइडेड मिसाइल है बैलिस्टिक नहीं है, BARAK-8 जो इंडिया और इसराइल साथ में डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारे मिसाइल्स है। ब्रह्मोस ऑलरेडी डेवलप होकर इंडक्ट हो चुकी है, इवन जॉइंटली डेवलप करके हम इनको सेल करने की भी बात कर रहे हैं और इनके अपग्रेडेड वर्जन भी बना रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है चिल्ड्रन विथ HIV ट्रीटेड बैडली इन स्कूल्स क्लेम्स प्ली, तो ये एक NGO है नास फाउंडेशन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है कि जो HIV पॉजिटिव स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन दिक्कतें फेस करनी पड़ती है इन स्कूल्स। पहले तो उनको एडमिशन ही डिनाई किया जाता है, अगर वो स्कूल में एनरोल्ड होते हैं और डिटेक्ट होते हैं HIV तो उनको एक्सपेल किया जाता है स्कूल से, निकाल दिया जाता है। अगर स्कूल में है तो उनको सेग्रीगेट किया जाता है, उनको अलग से ट्रीटमेंट दी जाती है, अलग बैठाया जाता है वगैरह। इवन उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए, प्राइवेट रखना चाहिए उनका स्टेटस एज सच, पर उनको प्राइवेसी भी नहीं मिलती, सबके सामने डिस्क्लोज किया जाता है, उनको मीनियल वर्क्स लाइक क्लीनिंग टॉयलेट्स वगैरह करवाए जाते हैं। तो ये स्टेटस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विद HIV इज वेरी इन डायर नीड फॉर चेंज, और इसीलिए ये पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये नास फाउंडेशन का पिटीशन कह रहा है कि दिस इज वायलेटिंग आर्टिकल 21, 21A एंड 14। तो 21 इज राइट टू लाइफ,
21A इज राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन और आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। तो इसीलिए इस पे इनिशिएटिव लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, इसीलिए यह पिटीशन फाइल किया गया। ऑलरेडी राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन प्लेस है। अगला न्यूज आइटम है, यूक्रेन लॉड्स इंडिया फॉर सपोर्ट ओवर क्रीमिया। सो यूक्रेनियन फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो यूक्रेन इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहती है और रशिया ने जब से क्राइमिया अनेक्स किया है इन 2014 तब से इंडिया यूक्रेन रिलेशंस भी लैप्स हो गए हैं, काफी कुछ डेवलपमेंट ज्यादा हुए नहीं है। तो यूक्रेन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इवन इंडियन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वगैरह हेड्स एज सच उन्होंने भी विजिट किया है यूक्रेन में, मिनिस्टर्स वगैरह ने विजिट किया है। तो यूक्रेन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया ने रशिया को सपोर्ट नहीं किया। तो वी हैव नॉट टेकन अ स्टैंड प्रो रशिया प्रो यूक्रेन, क्योंकि क्रीमिया जो अनेक्स हुआ क्रीमिया वॉज पार्ट ऑफ यूक्रेन और ये रीजन मेजरली थोड़ा ऑटोनॉमी भी थी इस रीजन को, प्लस यहाँ पे मेजरली रशियन मेजोरिटी पॉपुलेशन, रशियन यू नो ओरिजिन पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे जब रेफरेंडम करवाया गया तो पॉपुलेशन मेजोरिटी ने कहा कि हमको रशिया ज्वाइन करना है और इसीलिए रशिया ने अपना मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ लाया और ये रीजन को अनेक्स कर लिया। और वो ये रीजन भी देते हैं कि जैसे कोसोवो ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए क्रीमिया ने भी डिक्लेयर कर दिया और हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। तो रशिया का ये स्टैंड है, यूक्रेन ऑफकोर्स क्लेम करती है कि क्रीमिया उसका ही पार्ट है। तो इसीलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो इंडिया चाहती है कि पीसफुली रिजॉल्व हो, हमने ना किसी को सपोर्ट नहीं किया यहाँ पे, तो वो यूक्रेन अप्रिशिएट कर रही है। यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का ही मेंबर था, तो इट वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, इसीलिए हमारा इसके साथ मिलिट्री रिलेशंस भी है। तो इंडिया ने 2009 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ AN-32 फ्लीट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो यूक्रेन कीन है कि वो कंप्लीट भी हो। बाकी एरियाज में भी सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन चाहती है वो, जैसे स्पेस रिसर्च, आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स वगैरह, पेट्रोल बोट्स में कॉपरेशन हो, इसीलिए वो इंडिया के साथ कॉपरेशन के लिए और अग्रीमेंट्स के लिए कीन है। ये है रिगार्डिंग क्रीमिया भी। तो 2014 में पहले तो यूक्रेन में प्रेसिडेंट चेंज हुआ था, तो उसकी वजह से रशिया को ये चेंज रेजिम चेंज पसंद नहीं आया और उन्होंने बाद में क्रीमिया में, जब क्रीमिया एक्चुअली है ऑटोनोमस भी है, मेजोरिटी रशियन पॉपुलेशन भी है और इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर भी है, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि रेफरेंडम किया जाएगा और रेफरेंडम किया गया जिसमें रशिया के फेवर में रिजल्ट आया, जिसकी वजह से रशिया ने मिलिट्री प्रेजेंस से अनेक्स कर लिया। तो ये 2014 की ही पूरे डेवलपमेंट है। इन मार्च यूक्रेन मोबिलाइज रिजर्व और यूएस कैनेडा ने भी थ्रेटन किया, G8 समिट जो सोची में होने वाला था इन रशिया, उसको वो लोग बॉयकॉट करेंगे, पर रशिया ने ये किया है, उन्होंने क्रीमिया एनेक्स कर लिया, इवन जो बॉयकॉट आया। फिर अगला न्यूज आइटम है, चाइना ओपन टू वर्क विथ रशिया यूएस टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस। तो मॉस्को ने इनिशिएटिव लिया रशिया ने कि तीनों इकोनॉमीज चाइना रशिया और यूएसए साथ में वर्क करें, क्योंकि ये थ्री मेजर इकोनॉमीज है प्लस ये तीनों परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ये ग्लोबल चैलेंजेस जो है फॉर पीस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, तो ये तीनों साथ में मिलके फंक्शन करें। तो ये इनिशिएटिव एडवोकेसी आई है फ्रॉम रशिया और चाइना ने इसको ओपनली एक्सेप्ट किया है, तो वो ये न्यूज में है। तो यूएस रशिया रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं और यूएस चाइना रिलेशंस स्पॉइल हो रहे हैं एंड रशिया एंड चाइना आर कमिंग क्लोज, तो नाउ रशिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग यूएस क्लोज टू चाइना एज वेल। So we'll see what will be the developments here. Agla news item hai, Trump set to block refugees, restrict Muslim visitors. So President Donald Trump ne assume kiya office aur unhone initiatives liya hai abhi. To ye ek on agenda executive order draft kiya gaya hai ke jo Muslim countries hai, 7 Muslim countries hai, yahan se jo visa ke liye apply kar rahe hai unka visa nahi diya jayega, halt kar diya jayega. तो एक महीने के लिए तो ऑलरेडी हॉल्ट कर दिया गया ऑल वीजा एप्लीकेशन। सो ये 7 कंट्रीज है, सीरिया, इराक, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन। तो यहाँ पे वीजा एप्लीकेशन सारे हॉल्ट किए जाएंगे और यहाँ पे ये सूडान, लीबिया, सोमालिया ये अफ्रीकन कंट्रीज है नॉर्थ अफ्रीका में और ये इराक, सीरिया, ईरान, यमन ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज है। तो रीजन ये गिरा गया कि यहाँ टेररिस्ट थ्रेट काफी ज्यादा है, तो इसीलिए Muslims are not banned, Trump has said, but these visitors from these Muslim countries are banned. तो ये initiative लिया जाएगा। Even Syria के लिए वो कह रहे हैं कि refugees के लिए वहीं पे in Syria itself एक safe zone बनाया जाएगा जहाँ पे इनको shelter दिया जाए। तो ये refugees को completely indefinitely ban किया गया है from Syria।
ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। प्लस इवन वो कह रहे हैं कि इवन एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइल ही वाज कंटेस्टिंग उन्होंने कहा था कि आइसिस के अगेंस्ट वो फुल फ्लेज्ड वॉर करने वाले, ही इरेडिकेट आइसिस फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। तो आइसिस को इरेडिकेट करने के लिए ये जरूरी है कि मुस्लिम्स वो उनका कॉन्फिडेंस विन ओवर करे, कि आइसिस को आइसोलेट किया जाए, क्योंकि आइसिस का मेन एजेंडा ये है कि वो ये बताए कि हम सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते। तो अगर ये फॉल्स नरेशन में के झांसे में अगर पड़ गए, एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो आइसिस को और स्ट्रेंथ मिलेगी रादर देन इट बिकमिंग वीक। तो ये एक स्टर्न वार्निंग भी दी गई है टू डोनाल्ड ट्रंप। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द डेवलपमेंट्स। और एक जो इनिशिएटिव वो ले रहे हैं वो है ग्रेट वॉल बनाना। सो दिस इज इंडिया, नॉट इंडिया, यूएसए मेक्सिको बॉर्डर को ब्लॉक करने के लिए, यहाँ पे बॉर्डर ब्लॉक करने के लिए एक वॉल बनाई जाएगी। तो 3,100 किलोमीटर यूएस मेक्सिको बॉर्डर है, इसमें से 1,610 किलोमीटर ये वॉल से कवर बंद किया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव जो है इसके लिए ट्रम्प कह रहे हैं कि मेक्सिको पे करेगी, पर मेक्सिको लीडर ने कहा है कि हम मेक्सिको इसका खर्चा नहीं उठाएगी। तो ये स्ट्रेंज स्टेटमेंट जो आते हैं ट्रम्प से, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेक्सिको एक खर्चा नहीं उठाएगी तो जो मेक्सिको माइग्रेंट्स है यूएस में वो जो रेमिटेंसेस घर भेजते हैं पैसा, तो वो पैसा नहीं भेजा जाएगा, उसको स्टॉल किया जाएगा और उसको यूज किया जाएगा फॉर पेइंग फॉर द वॉल। तो ये सारे स्टेटमेंट्स है। अराउंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिस वॉल इज $10 to $12 billion अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, पर एनालिस्ट कहते हैं कि ये $22 से $25 billion लगेंगे ये वॉल बनाने को। और एक रियलिटी ये है कि इमिग्रेंट्स फ्रॉम दिस यूएस मेक्सिको बॉर्डर काफी कम हो चुके हैं। ईयर 2000 में काफी हाई माइग्रेशन था एंड ग्रेजुअली दे हैव बीन रिड्यूसिंग, और 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद काफी रिड्यूस हो चुके हैं, पर फिर भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये इनिशिएटिव लिया है ऑफ बिल्डिंग द वॉल। तो काफी सारा ये लैंड जो है वॉल बिल्ड करने के लिए जो लगेगा वो प्राइवेट लैंड है, तो वो भी कैसे मतलब लिया जाएगा अंडर कंट्रोल, वो सारा भी देखना जरूरी है। प्लस सर्वेलेंस, बॉर्डर वॉल पे सर्वेलेंस भी काफी कॉस्ट एक्यूमुलेट होगा, कॉस्ट इनकर होगा उसकी वजह से भी। ये है यूएस मेक्सिको बॉर्डर, तो यहाँ पे मिक्स ऑफ हाई एंड लो फेंसिंग किया जाएगा अलोंग दिस बॉर्डर। ये ऑलरेडी है फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग वो दिखाया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है यूके पुशेस फॉर स्पीडी लेजिस्लेशन ऑन ब्रेक्सिट। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, हाई कोर्ट इन यूके ने कहा कि ब्रेक्सिट विदाउट द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट अप्रूविंग इट नहीं हो सकता। तो यूके गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, एग्जीक्यूटिव ने, कि हाँ पार्लियामेंट अप्रूवल लगेगा, पर उन्होंने कहा हम आर्टिकल 50 ट्रिगर कर लेंगे। तो आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी है जिसके अंदर अगर कोई कंट्री ईयू से एग्जिट करना चाहती है तो उसको उसके अंदर वो इनिशिएटिव लेगी। तो आर्टिकल 50 ट्रिगर करने के बाद भी 2 साल अराउंड लगते हैं कि पूरा एग्जिट कम्प्लीट हो, प्रोसेस कम्प्लीट हो। तो इसीलिए जितना जल्दी एग्जिट होगा उतना अनसर्टेनिटी कम होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट इन यूके कीन है कि एग्जिट जल्दी से हो, तो इसीलिए वो आर्टिकल 50 मार्च एंड तक ट्रिगर करना चाहते हैं। पर अगर पार्लियामेंट अप्रूवल लगेगा तो अपोजिशन इनिशिएटिव्स की वजह से, अमेंडमेंट्स की वजह से काफी डिले हो जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि आर्टिकल 50 तो हम ट्रिगर कर लेंगे, बाद में पार्लियामेंट में होता रहे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आया उन्होंने कहा नहीं, पहले पार्लियामेंट अप्रूवल होगा फिर ही आर्टिकल 50 ट्रिगर हो सकता है। तो अब ये रूलिंग के बाद गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना ही पड़ा और पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो सिर्फ 2 क्लॉज का बिल है, मतलब छोटा सा बिल है। तो काफी कुछ डिटेल्स है ही नहीं, तो कुछ अमेंडमेंट ज्यादा होने के प्रोविजंस भी नहीं है ऐसे। तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों हाउसेज, जो पार्लियामेंट के यूके में हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, यहाँ पे बिल पास हो, अप्रूव हो, ताकि आर्टिकल 50 मार्च डेडलाइन पे ही जो डिसाइड किया गया था तभी ट्रिगर हो सके। तो ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स है इन यूके। तो लेबर पार्टी भी है, उन्होंने कहा है कि हम लेजिस्लेशन को बैक करेंगे, मतलब ब्रेक्सिट तो फाइनल है पर ब्रेक्सिट के प्रोविजंस क्या होंगे। तो वो चाहते हैं अमेंडमेंट्स हम प्रपोज करें, जैसे कि सिंगल मार्केट एक्सेस होगा, फिर वर्कर्स राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इन प्लेस होंगे। तो उसके लिए प्रोविजंस के लिए वो चाहते हैं कि वो ये प्रोविजंस डाले विद अमेंडमेंट टू द बिल। तो अब देखेंगे आगे डेवलपमेंट्स कैसे होते फॉर ब्रेक्सिट। अगला न्यूज आइटम है ग्रोथ इन इंडियाज ऑयल कंजम्पशन टू बी फास्टेस्ट बाय 2035। तो इंडिया इज प्रेजेंटली द फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर, फर्स्ट 3 आर यूएसए, चाइना एंड जापान। तो जापान को हमने 2015 में ओवरटेक किया था एंड वी हैव बिकेम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री। तो ये फिर से होगा, हम 2035 में फिर से ऑयल कंजम्पशन
ज्यादा हो जाएगा, इन द फास्टेस्ट सो फार, और हम थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री बन जाएंगे। तो ये उस बारे में न्यूज है कि हमारा ग्लोबल एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इट विल बी 9% बाय 2035, और चाइना का 26% ऑफ दी टू ग्लोबल एनर्जी डिमांड होगा ऑयल डिमांड। तो ये मेजर इकोनॉमीज के बारे में है। अगला न्यूज आइटम है इंडिया मल्स रिवाइविंग ओल्ड गोल्ड माइंस। तो जो ओल्ड गोल्ड माइंस है जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम पे फंक्शन कर रही थी, वो अब रिवाइव करने के प्लान्स लाए जा रहे हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो काफी सारे माइंस स्टॉप की गई थी बिकॉज ऑफ कॉस्ट, एस्केलेटिंग कॉस्ट था, लॉसेस हो रहे थे, जो इवैक्यूएशन टेक्निक्स थी, माइनिंग टेक्निक्स, वो काफी नो आउटडेटेड थी, तो इसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही थी। तो ये माइंस को क्लोज कर दिया गया था, अब ये रिवाइवल किया जाएगा, ये माइंस को फिर से ओपन किया जाएगा, क्योंकि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और हमारा हर साल अराउंड 900 to 1000 टन गोल्ड इम्पोर्ट होता है हर साल, और इंडिया का गोल्ड आउटपुट विद इन द कंट्री इज ओनली 2 to 3 टन ईयर। तो ये इंक्रीज करने के लिए हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। ऑयल के बाद जो सेकेंड कमोडिटी है, बिगेस्ट इम्पोर्टेड आइटम, वो है गोल्ड। तो इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी काफी हाई है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये एग्जांपल, ये भी एक कोलार गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटका में, तो इसको बंद कर दिया गया था इन 2001। तो भारत गोल्ड हैड टू एंड इट्स ऑपरेशंस क्योंकि अनइकोनॉमिकल हो गया था, अनप्रोडक्टिव हो गया था। तो ये अभी पिछले 15 सालों से यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं कि इसको या तो सेल किया जाए या रिवाइव किया जाए, कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से इसको ऑन एजेंडा लिया है टू रिवाइव कॉलोनियल एरा गोल्ड माइंस। ये कोलार गोल्ड माइन है, आप देख सकते हैं, इन कर्नाटका नियर मैंगलोर। अगला न्यूज आइटम है, ये लास्ट न्यूज आइटम, स्मार्ट ग्लासेस दैट ऑटोमेटिकली फोकस ऑन व्हाट यू सी। तो ये यूएस के साइंटिस्ट से, इसमें एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट भी, उन्होंने ये डेवलप किया स्मार्ट ग्लासेस। तो ये स्मार्ट ग्लासेस ऑटोमेटिकली फोकस एडजस्ट करते हैं, तो जब लोग दूर की चीजें देख रहे हैं तो वो भी देख सकेंगे, जब नजदीक की चीजें देखनी है तो वो भी देखी जा सकेगी। तो ये बनाया गया है विद ग्लिसरिन, जो लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड को फ्लेक्सिबल रबर लाइक मेम्ब्रेन्स के बीच में एनक्लोज किया गया है। तो फ्रंट और बैक रबर है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एक्चुएटर्स है, तो वो पुश करते हैं मेम्ब्रेन को आगे पीछे, तो इससे वो कर्वेचर जो है लिक्विड लेंस का वो चेंज होता है और फोकल लेंथ चेंज होती है। इसकी वजह से जैसे फोकस करना है, जैसे रिक्वायरमेंट है, वैसे फोकस किया जाएगा। तो जो ये ग्लासेस है उसके बीच में, जो ब्रिज ऑफ द ग्लास कहते हैं, तो वो बीच में वहां पे एक डिस्टेंस मीटर लगाया गया है, तो वो मेजर करता है डिस्टेंस के, ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो इंफ्रारेड लाइट यूज करके वो डिस्टेंस मेजर करता है। तो जैसे डिस्टेंस पता चलता है वैसे ही ग्लासेस एडजस्ट होते हैं फोकल लेंथ, और पीपल कैन सी नियर और फार। तो जनरली ओल्ड एज में देखे जाते हैं कि नियर ऑब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए वगैरह भी जो चश्मे लगते हैं, तो ग्लासेस लगते हैं और वो ग्लासेस, और फार साइटेडनेस के लिए ग्लासेस अलग होते हैं, तो वो दोनों एक साथ एक ही ग्लास में वो देख सके और इजिली देख सके, इसके लिए ये बनाया गया है। प्रेजेंटली फ्रेम्स बल्कि है, पर साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं कि ये फ्रेम्स को भी लाइट फ्रेम्स में बनाया जा सके, ताकि ये वाइडली यूज किया जा सके। तो ये स्मार्ट ग्लासेस है। तो यही आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।